जैसे कुछ देखा है अभी? हाँ हाँ यही भी बोला था परसों को। ये भैया यही भैया क्या? ये है हमारा बाइक का रात का कंडीशन। देखिए रास्ता को देखिए, ये हो गया अपर चटकपुर का रास्ता। तो भी अच्छा लगे जो मैंने दिखाया था वीडियो में, वो है अपर चटकपुर। ऐसे गाड़ी जाता है वहाँ पे, पीछे दो आदमी लटकना पड़ता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोगों का डे टू शुरू हो चुका है, डे टू का व्लॉग चटकपुर में। हम अभी है अपर चटकपुर में, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे, थोड़ा ट्रेक करेंगे लोअर चटकपुर। उससे आगे एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक लेक है, वो लेक पे जाएंगे। तो चलते मिलते हैं वहाँ पे। नेपाली भैया हाँ। ये हो गया आपका लोअर चटकपुर, ये हो गया लोअर चटकपुर। आज का व्यू बहुत अच्छा है। तो ये हम पहुंच रहे हैं लोअर चटकपुर, और बहुत ही नीचे तक आए। शायद माता का मंदिर भी है। ये हो गया रास्ता मंदिर में जाने के लिए, घंटी भी है ऊपर। तो फिर हम चल दिए होमस्टे की तरफ, जगह अच्छा था ये, एक पोखरी था। बहुत लोग यहाँ पे गाइड लेके भी आते हैं, गाइड लेके भी आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है। हम लोगों का होमस्टे वहाँ ऊपर, वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसका ठीक पीछे, और हम वहाँ से ट्रेक करते करते नीचे आए हैं इस साइड से होके। ये दो कॉटेज के पीछे से होके निकले हैं, और ये रहा वो फॉरेस्ट जिसके अंदर हम गए थे। दीदी को बोल रहे हैं झोल कम होगा चिकन में, चिकन में झोल कम होगा। दीदी आपको होमस्टे का नाम क्या रहा है? कंचन व्यू। ये हो गया दीदी का होमस्टे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा घर के जैसा ही हॉस्पिटलिटी मिलेगा आपको, बहुत अच्छा। कंचन जाओ होमस्टे, तो मैं कल इसको कंचनजंगा बोल दिया, ठीक है। ये देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं हूँ, यह है सनराइज होमस्टे का बैक साइड में, सामने का व्यू आपको दिखा दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने का जगह भी है, और यहाँ से जो आप व्यू का मजा ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया होगा यहाँ से।
वो सामने भी जा सकते हैं आप। अब बने रहे वीडियो पे और एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो आज का हमारा डे 3 है यहाँ पे, और हम जो होमस्टे में रुके हैं उसको तो आपको दिखा दिया है पहले। और हम लोगों का जो यहाँ का होमस्टे का ओनर है, दीदी आपका नाम? लतिका। लतिका दीदी, बहुत ही अच्छा है इनका हॉस्पिटलिटी। अगर आप आएंगे तो घर से ज़्यादा मिलेगा, जो मांगेंगे जब देता है हमको बना के। और ये हो गया हमारा किचन, अभी हो रहा है चाय। ये चाय हमको कंपलसरी जो चाय था वो मिल गया था सुबह को, लेकिन राणा ने फिर बोला कि चाय और एक बार चाहिए निकलने के टाइम, तो दीदी ने बोल दिया ठीक है हो जाएगा। ये फिर से चाय हो रहा है। और हम लोगों का ये हो गया आज का ब्रेकफास्ट। ये क्या है भाई? हम यहाँ पे आए थे चटकपुर में 13 तारीख को, 13 मार्च, और 13 तारीख आए हमारे होम टाउन खोरीबाड़ी से। और वहाँ से आने के बाद सैटरडे को हम रुके, संडे को भी रुके, आज है मंडे, और हम निकल रहे हैं अभी, होमस्टे छोड़ रहे हैं। दीदी मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींचा था आपने, सेल्फी नहीं खींचा? आपका नंबर आ गया है ना थोड़ा पास है, ये नहीं तो नहीं आएगा। इस्माइल आप तो हंसती है ज़्यादा, इधर देखिए। अरे ग्रुप के साथ खींचेगा पूरा। हाँ ठीक है। एंड इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर अस, क्योंकि 2 दिन बिताने के बाद चटकपुर में एक लगाव सा हो गया था इन पहाड़ों से। और दीदी भी बोल रही थी कि और 1-2 दिन रुकने के लिए, लेकिन हम लोगों का बजट थोड़ा टाइट था। जी को तो दोस्तों, आप कैसे चटकपुर आओगे इसका फुल डिटेल्स है इस वीडियो में। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये है चटकपुर घुसने के लिए पहला चेक पोस्ट, और यही चेक पोस्ट है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आता है, सेंचुअल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपको पास करवाना पड़ेगा, जैसे कि कोई टिकट हो। तो यहाँ पे हम लोगों का 3 आदमी 3 बाइक और 2 दिन के लिए 560 रुपीज़ ऐसा कुछ पड़ा था, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ईच कितना होगा। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये जाएगा सोनादा होके, और ये ऊपर वाला रास्ता जाएगा चटकपुर, और नीचे वाला जाएगा बगोरा। तो हम आपको मिलते हैं बगोरा में। उससे पहले भी एक जगह है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि हम चटकपुर कैसे जाएं, ठीक है, कि क्योंकि वहाँ पे 2 रास्ता है। तो आप बने रहिए वीडियो पे, वो रास्ता पे हम आते हैं। अगर आप बागोरा होके आओ, सोनादा होके आओ, ये रास्ता यहाँ पे थोड़ा स्टीप है। ये जगह यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ रोड ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कुछ मॉन्यूमेंट बना है यहाँ पे। तो आपको जाना है वो जो बैठने का जगह है ये वाला, उसके साइड एकदम सीधा जाना है, एकदम आपका राइट हैंड में ही जाएगा, सीधा आप जाएंगे। ये रास्ता पे नहीं, हमको जाना है सीधा, तो आप चटकपुर पहुँच जाओगे, ठीक है। और ये जो यहाँ का सीन है एकदम खतरनाक। अभी हम हैं बागोरा में, ये है पूरा बागोरा का व्यू। देखिए ये रास्ता है चटकपुर का, जो कि ऑफ रोड है, और यहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिस भी है, ऐसे एक बोर्ड होगा, और ये एक छोटा सा यहाँ पे बोर्ड है चटकपुर का, छोटा सा एक बोर्ड। ये इधर से आप जा सकते हैं हल्द्वारा, ये सब साइड में। और यहाँ पे मोनूमेंट जो है, मोनूमेंट का जो साथ जो रास्ता लगा हुआ है, ये रास्ता जाएगा आपका डाउहिल कर्शियम, और ये जाएगा आपका दिलाराम होके
उतरेगा, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे डाउहिल होके, जो ऊपर का तरफ जो रास्ता है ये डाउहिल जाएगा,